हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के कुछ और प्रॉब्लम्स को। इससे पहले भी हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड्स के दो लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स डिस्कशन किए थे। आज ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग, और उसमें सबसे पहला है कि एसीटल्डिहाइड को एसिटॉक्सिन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने एसीटल्डिहाइड और एसिटॉक्सिन दोनों के स्ट्रक्चर बना रखे हैं। अब आपको उसको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना है। ये एसिटॉक्सीन है, दिस इज एसिटॉक्सीन। तो एसिटल्डिहाइड को एसिटॉक्सीन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमें ये पता लग गया कि एसिटॉक्सीन जो बना होगा वो एसीटोन पर हाइड्रोक्सिल एमीन के रिएक्शन से बना होगा। ये एसीटोन है, इस पर अगर मैं हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH का रिएक्शन करा दूं तो ओवरऑल देखिए NH2OH निकल जाएगा और एसिटॉक्सीन बन जाएगा। तो इट मीन्स हमें एसिटल्डिहाइड को पहले एसिटॉक्सीन में बदलना है। तो एसिटल्डिहाइड को एसिटॉक्सीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले सॉरी एसिटल्डिहाइड को एसीटोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए अगर मैं इस पर ऑक्सीडेशन करा दूं, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन हम करा देंगे KNO4 से या डाइक्रोमेट से, तो CH3CHO CH3CUH में बदल जाएगा। नाउ यू विल फाइंड CH3CUH। अब अगर इस पर मैं बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दूं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो OH ग्रुप हैं, तो अब हमें साल्ट ऑफ एसिड ऐसे मिल जाएगा कि नाउ दिस इज CH3CO, दिस इज O, दिस वन इज CH3CO O, और एक कैल्शियम, ये मिल गया कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड। और किसी भी कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे निकल जाता है, -CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया तो हमें देखिए एसीटोन मिल गया CH3COCH3। अब एसीटोन पर जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन करा देंगे वीक एसिडिक मीडियम में, तो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये पहला कन्वर्जन हो गया। नौ दूसरा, एसिटिलीन टू एसीटोन, हमें अब एसिटिलीन को एसीटोन में बदलना है। नौ एसिटिलीन जो होता है जी, हमें एसिटिलीन को फाइनली एसीटोन में बदल देना है। एसीटोन इज CH3COCH3। तो अगर मैं एसिटिलीन पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा दूं, यानी इस पर Hg+2 का रिएक्शन H2SO4 और एक्वस मीडियम डाइल्यूट वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, तो अब आप देखिए इस पर वाटर का एडिशन मार्कोनिकोव रूल से ऐसे एक पर H आ गया और एक पर OH आ गया, ऐसे बन गया। अब ये इनॉल है, इनॉल आपको पता है तुरंत कीटो में बदल जाएगा। नाउ इनॉल विल गेट कन्वर्ट टू कीटो, और ये हमें ऐसे मिल गया कि दिस इज CH3CHO। अब ये एसीटल्डिहाइड बन गया। अब हमने आपको अभी कुछ देर पहले एसीटल्डिहाइड को एसीटोन में कन्वर्ट करने का तरीका बताया ही था। अब एक दूसरा अल्टरनेट मेथड भी आप समझ लें। अगर मैं इस पर CH3MgBr का रिएक्शन यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दूं H+H2O के प्रेजेंस में, तो किसी भी एल्डिहाइड पर RMgX का रिएक्शन कराने पर 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। ये CH3- इस पर अटैक करेगा, O-S लेके OH में बदल गया। नाउ वी विल फाइंड दिस इज CH3 और OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। और 2 डिग्री अल्कोहल का चाहे हम माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएं चाहे स्ट्रांग ऑक्सीडेशन कराएं, कीटोन ही मिलता है। हमने इस पर PCC का रिएक्शन करा दिया, देखिए कीटोन में कन्वर्ट हो गए। नाउ तीसरा कन्वर्जन है कि हमें एसिटल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपिनोइक एसिड में बदलना है। एकदम आसान सा रिएक्शन है। अगर मैं इस पर SCN का रिएक्शन करा दूं, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पर SCN का रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है, डायरेक्ट SCN का एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी SCN का रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पर कराना है तो हम बेस KOH के प्रेजेंस में कराते हैं। नो अब ये जो बन गया कि दिस इज CH3CHOH और SCN, CH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये CN। अब हमें CN को COS में बदल देना है, आपको पता है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे H+ और H2O के प्रेजेंस में, किसी भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो COS में बदल जाता है। सो ये तीनों कन्वर्जन आपको बताया गया कि कैसे होते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताया गया।
और साथ साथ एसिटल्डिहाइड को एसीटोन में कन्वर्ट करने के आपको दो मेथड बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कंपाउंड ए है, ए पर एसिटिक एसिड का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो बी बनता है, ए का ऑक्सीडेशन कराए तो सी बना, सी पर हमने 50% केवेज का रिएक्शन कराया, एसिडिफिकेशन कराया तो ए और डी बन गया, डी पर PCl5 का रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर अमोनिया का रिएक्शन कराए तो ई बना, और ई पर P2O5 का रिएक्शन कराए तो HCN बन गया। रिवर्स डायरेक्शन में शुरू करते हैं, ई पर P2O5 का रिएक्शन हीट कराए तो साइनाइड बना, इट मीन्स जो ई रहा होगा वो कोई एमाइड रहा होगा। आप ध्यान से जानिए कि कोई भी एमाइड RCONH2 है, इस पर अगर मैं P2O5 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर कराऊंगा तो ओवरऑल HCN निकल जाता है, वाटर निकल जाएगा, H2O, तो आपको मिल जाएगा RCN। ठीक है, अब यहाँ HCN मिल रहा है, मीन्स जो E था, E जो रहा होगा वो HCONH2 रहा होगा, HCONH2 ये E रहा होगा, क्योंकि इस पर जब हम रिएक्शन कराएंगे P2O5 का हीट के प्रेजेंस में तो वाटर निकलेगा तो हमें HCN मिल जाएगा, और ई जो बना था वो अमोनिया के रिएक्शन से बना था, मींस जो ई रहा होगा वो प्रोबेबली ऐसे रहा होगा कि दिस इज HCOCl, इस पर हमने अमोनिया का रिएक्शन करा दिया तो इसने जाके इस पर अटैक किया, Cl निकल गया, -HCl, और जो HCOCl बना था वो डी पर PCl5 के रिएक्शन से बना था, इट मींस जो डी था वो HCOCl रहा होगा, HCOOH सॉरी, तो जो डी रहा होगा वो HCOOH रहा होगा, दिस इज डी, और डी बना था सी से, सी पर जब हमने 50% केवेज का रिएक्शन कराया था और फिर एसिडिफिकेशन करा दिया था तो हमें ए और डी बन रहा है, इट मीन सी से डी का जो कन्वर्जन है वो कैनिजारो रिएक्शन है 50% केवेज से। अब ये फॉर्मिक एसिड बन रहा है, इट मीन्स जो सी था वो फॉर्मल्डिहाइड रहा होगा, सी जो रहा होगा वो फॉर्मल्डिहाइड रहा होगा, HCHO। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, अगर मैं इस पर 50% केवेज का रिएक्शन कराऊंगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलेगा, रिडक्शन होगा तो हमें HCHO के रिडक्शन से हमें HCH2OH मिल जाएगा, या मैं इसको CH3OH लिख सकता हूँ, ये कंपाउंड ए था, प्लस HCOO-K+ मिला रहा होगा, और जब हमने इस पर एसिडिफिकेशन करा दिया, H+ का ट्रीटमेंट करा दिया तो डी बन गया, इट मीन्स ये सी था, तो ए जो था वो मिथेनॉल था। अब आप देखिए ए को सी में आप आसानी से कन्वर्ट, जैसे यहां पर बताया गया कि ए का ऑक्सीडेशन कराया गया तो सी बना, इट मीन्स जो ए का माइल्ड ऑक्सीडेशन कराया गया तो इट मीन्स ए को सी में ऑक्सीडेशन करने के लिए, यहां से यहां इसमें बदलने के लिए हमने PCC का यूज कर लिया होगा, ठीक है, तो ए जो है सी में बदल गया माइल्ड ऑक्सीडेशन। अब बात समझ में आ गई होगी, तो ए मिथेनॉल है और मिथेनॉल पर एसिटिक एसिड का रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में कराएंगे तो ए बना, बी बना, इट मीन्स ए का बी में जो कन्वर्जन है वो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, ये एसिटिक एसिड है, दिस इज CH3COH, इस पर मिथेनॉल का रिएक्शन करा दिया, मिथेनॉल इज OHCH3 एसिडिक मीडियम में H+ के साथ, तो एसिड से OH और एल्कोहल से H निकल गया तो बन गया CH3COOCH3, ये कंपाउंड भी मिल गया। सो नाउ दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ए टू ए इन दिस रिएक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक कंपाउंड है C6H4 C6C4H6O4, कंपाउंड ए है, ए पर मिथेनॉल का एक्सेस में रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, बी बना C6H10O4, उस पर LiLH4 का रिएक्शन कराया तो C4H10O2 बना, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ए को हीट करते हैं तो C4H4O3 मिलता है, तो ये जो कंपाउंड मिला इसमें तीन ऑक्सीजन है, इट मीन्स ये कंपाउंड एनहाइड्राइड। अब आप देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नियरली सेम है, इट मीन्स जो ये कंपाउंड है ये एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन 3 है तो वहां पर एनहाइड्राइड होने की पॉसिबिलिटी होती है, और उसमें अगर कार्बन ज्यादा है हाइड्रोजन कम है या कार्बन और हाइड्रोजन सेम अमाउंट में है
तो इसकी इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो कंपाउंड जो होगा वो साइक्लिक एनहाइड्राइड होगा। तो इट मीन्स जो ये कंपाउंड है ये वाला, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है, और ये जो रहा होगा वो ऐसे रहा होगा कि दिस इज सी एच टू, सी एच टू, दिस इज सी ओ, दिस इज सी ओ एंड दिस इज ओ, ये लास्ट का कंपाउंड रहा होगा, दिस कंपाउंड डी। तो ये कंपाउंड डी रहा होगा, और दो डी जो बना वो ए को हीट करने से बना। इट मीन्स जो ए था वो 1,4-डाई-एसिड था, दिस इज सी एच टू सी ओ एच, दिस इज सी एच टू सी ओ एच। 1,4-डाई-एसिड को हीट करने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसमें साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाते हैं। इसको हीट करेंगे तो ओवरऑल एच टू बन जाएगा। आप देखिए 1,4-डाई-एसिड है, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, हीट करेंगे तो एच टू ओ निकल जाएगा, एक से ओ एच और एक से एच। आप देखिए कंपाउंड डी बन गया, तो इट मीन्स ये कंपाउंड ए था। अब कंपाउंड ए पर मिथेनॉल का रिएक्शन करा दें तो एस्ट्रिफिकेशन हो गया। इट मीन जो कंपाउंड बी रहा होगा वो ऐसे बन गया होगा कि दिस इज सी एच टू सी ओ ओ सी एच थ्री एंड दिस इज सी एच टू सी ओ ओ सी एच थ्री, ये कंपाउंड बी। और कंपाउंड बी पर एलाइल एच फोर का रिएक्शन कराया तो सी बना। तो एलाइल एच फोर किसी भी एस्टर को एल्कोहल में बदल देता है, इस पर एलाइल एल एच फोर का रिएक्शन करा दिया तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे सी ओ जो है सी एच टू एच में ऐसे बदल गया। नाउ यू विल फाइंड दिस इज सी एच टू सी एच टू ओ एच एंड नाउ दिस इज अगेन दिस इज सी एच टू सी एच टू एच। अब एक कंपाउंड सी था, आप देखिए सी का जो फार्मूला था वो था सी फोर एच टेन ओ टू। अब आप देखिए सी फोर एच टेन ओ टू ही है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 3 जिसमें हमने ए टू डी आइडेंटिफाई किया। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। एक कंपाउंड है सी फोर एच एट ओ थ्री, इस पर कंसेंट्रेट एच प्लस और हीट का रिएक्शन कराते हैं तो बी बनता है, और बी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बट ए ऑप्टिकली एक्टिव था। तीन ऑप्शन थे और ए ऑप्टिकली एक्टिव था, कंसंट्रेट एच प्लस का हीट का रिएक्शन कराया गया था, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये एनहाइड्राइड हो, ठीक है। बट एनहाइड्राइड है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है, इसलिए ए के एनहाइड्राइड होने की चांस कम है, ठीक है। अच्छा, बी पर कोल्ड केमनोफोर का भी रिएक्शन करा देते हैं। मीन्स कोल्ड केमनोफोर का रिएक्शन कराया तो बी में कहीं ना कहीं से एल्कीन कैरेक्टर आ गया, तो बी में एल्कीन मौजूद है। अच्छा, ए का रिएक्शन क्रोमिक एसिड से कराया तो हमें ई मिला, और ई पर हीट कराया तो एफ मिला। एफ का फार्मूला C3H6O है, और उस पर जिंक अमलगम और HCl का रिएक्शन कराया तो जी बना, और जी एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। अच्छा, अब फिर बी पर SOCl2 का रिएक्शन कराया गया तो सी बना, और सी पर 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन कराया तो डी बना। अब हमें ए टू जी आइडेंटिफाई करना है, ठीक। अच्छा, अब जो एफ है, एफ इज C3H6O, तो C3H6O है ये, तो इसका जो फार्मूला है वो है CnH2NO। अगर किसी कंपाउंड का फार्मूला CnH2NO होता है तो इट मीन्स वो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, दिस इज एल्डिहाइड आर कीटोन। समझ में आ गया सब लोगों को? अच्छा, अब ई को हीट किया गया तो एफ बना, ऐसे मीन्स डिकार्बोक्सिलेशन टाइप का कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और एफ पर जब हमने जिंक मरकरी HCl का रिएक्शन कराया तो जी बना, जो कि हाइड्रोकार्बन है। इट मीन्स जी जो है वो 3 कार्बन का होगा। इट मीन्स ये भी हो सकता है कि भाई जो एफ है उसका फार्मूला ये हो कि CH3CO CH3, ये हो सकता है एफ, क्योंकि इस पर जब हमने जिंक मरकरी और HCl का रिएक्शन करा दिया तो आपको पता है कि भाई ये रिएक्शन जब हम कराते हैं जिंक मरकरी HCl से तो कीटोन एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो इट मीन्स ये जो रहा होगा वो रहा होगा आपका CH3CH2CH3।
ये कंपाउंड जी हो गया, ठीक है। और एफ बना था ई को हीट करने से, तो ये ई है, ई को हमने हीट किया तो एफ बना। इट मीन्स ई जो है वो बीटा कीटो एसिड हो सकता है। आपको पता है किसी भी बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट करते हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाता है। तो और बीटा कीटो एसिड है, इट मीन्स हो सकता है कि जो ई हो, ई का स्ट्रक्चर ऐसे रहा हो कि CH3CO CH2 CH। नाउ दिस इज, और जो ई था, ई बना था ऑक्सीडेशन से, क्रोमिक एसिड से, क्रोमिक एसिड के ऑक्सीडेशन से। इट मीन्स जो ए जो था, ये आपका कंपाउंड ई था, दिस इज कंपाउंड ई, और ई जो बना था वो ए के ऑक्सीडेशन से बना था। इट मीन्स ए में एल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है। इट मीन्स जो ए रहा होगा वो ऐसे रहा हो सकता है कि दिस इज CH3CHOH, दिस इज CH2COH, ऐसे रहा हो। और आप देखिए यहाँ सेंटर काइरल है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, जो कि ए में यहाँ बताया गया है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला देखिए, C4H8O3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड ए था। अब हम पहचान चुके हैं कि कंपाउंड ए क्या है। अब ए का अगर मैं कंसेंट्रेट H+ से, ए को कंसेंट्रेट H+ से हमने रिएक्शन करा दिया हीट के प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन होगा। देखिए ए का कन्वर्जन कराया तो बी बन गया था, तो इस पर जब हमने कंसेंट्रेट H+ का रिएक्शन कराया तो बन गया CH3CH CH। अब इसका कायरल सेंटर ख़त्म हो गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और ये जो कंपाउंड था ये कंपाउंड बी था। और कंपाउंड बी अब देखिए केमनोफोर से, कोल्ड केमनोफोर से रिएक्ट कर लेगा, कोल्ड केमनोफोर से जब हमने इसका रिएक्शन करा दिया तो ये बन गया दिस इज CH3CH CH OH NOH एंड दिस इज CH, ये बन गया था, ठीक है। अब बी पर SOCl2 का रिएक्शन कराएं, इस पर जब हमने SOCl2 का रिएक्शन करा दिया तो ये बन गया CH3CH CH, दिस इज COCl, ये कंपाउंड जो था वो सी था। नाउ दिस इज कंपाउंड सी। और सी पर अगर हमने 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन करा दिया, 2 डिग्री एमीन ये था, दिस इज CH3 NH CH3 N पर लोन पे। अब आप देखिए ये जाके इस पर जब रिएक्ट कर देगा ऐसे, तो यहाँ से Cl और H निकल गया, दिस इज -HCl, तो ये जो बन गया, नाउ यू विल फाइंड दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज CO, दिस इज N CH3 N CH3, इस तरीके से। नाउ दिस इज कंपाउंड डी। तो आप देखिए हमने आपको ए से लेके जी तक बता दिया कि कैसे क्या होता है, और आपने देखा कि आपको जो क्लू मिला वो यहीं से मिल गया। जी एक हाइड्रोकार्बन था जो कि जिंक मर्करी और HCl की रिडक्शन से बना, तो एफ कीटोन था, और कीटोन एफ जो बना था वो ई को हीट करने से बना था, तो किसी भी बीटा कीटो, की पॉइंट आपके रिएक्शन का यहाँ पे था, किसी भी बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो वो कीटोन में बदल जाएगा। तो ई एक बीटा कीटो एसिड था, और ई जो बना था वो क्रोमिक एसिड के ऑक्सीडेशन से बना था, मीन्स ए में एल्कोहलिक ग्रुप और COH ग्रुप दोनों मौजूद थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 4 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड C4H8O3 विच इन्वॉल्व CO2 विथ सोडियम बाई कार्बोनेट। हमने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में 3 ऑक्सीजन हो तो एनहाइड्राइड हो सकता है, बट एनहाइड्राइड सोडियम बाई कार्बोनेट से पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, मीन्स वहाँ पर CO2 नहीं निकलता है। इट मीन्स ये जो कंपाउंड दिया गया है C4H8O3, इसमें एनहाइड्राइड नहीं होगा, ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर किसी कंपाउंड में 3 ऑक्सीजन आते हैं तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो एनहाइड्राइड होता है या वो हाइड्रोक्सी एसिड हो सकता है।
अब ये CO2 रिलीज कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन से, इट मीन्स ये हाइड्रोक्सी एसिड ही होगा। अच्छा, इसमें लिखा है कि जो आइसोमर ए है वो LiLH4 से रिएक्ट करता है, तो ये एक कायरल प्रोडक्ट, वो उससे रिएक्ट करके एक कायरल प्रोडक्ट बना लेता है। और कंपाउंड बी जो है, आइसोमर जो बी है, उसमें पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो सकता है कि कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर ऐसा रहा हो कि दिस इज CH3 CH CUH CH2OH, ये कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इस पर LiLH4 का रिएक्शन कराऊं, ये जो है ना कंपाउंड C4H8O3 के 4 आइसोमर हमें बनाने हैं, तो उसमें एक ये आइसोमर ए हो गया, और ये देखिए सेंटर कायरल है, ये इस पर जब हमने रिएक्शन करा दिया तो ये बन गया CH3 CH CH2OH, और ये वाला CH भी CH2OH में बदल गया। अब आप देखिए ये जो सेंटर था ये कायरल नहीं रहा, यहाँ 2 आइडेंटिकल ग्रुप आ गए, इट मीन्स 4 आइसोमर में एक आइसोमर ये था, ठीक है। और आइसोमर बी जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मीन्स आइसोमर बी में कहीं ना कहीं CH3 CHOH ग्रुप जरूर होगा। तो अगर मैं बी को ऐसे कर दूं कि दिस इज CH3 CHOH, दिस इज CH2 CUH, अब आप देखिए एक कंपाउंड बी हो गया, ठीक है, एक कंपाउंड बी हो गया। और जो कंपाउंड अब भाई देखिए, इस कंपाउंड के टोटल 4 आइसोमर्स हैं, तो हमने दो तो बना दिए, एक तीसरा ये भी हो सकता है कि ऐसे हो कि दिस इज CH3 CH2 दिस इज CH, OH की पोजीशन हमने यहाँ कर दी, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया हमने OH की पोजीशन को, CHOH एंड दिस इज CUH, एक कंपाउंड सी हो गया। अब एक हमें डी और बनाना है। अब अगर एल्कोहल हो सकता है तो ईथर भी हो सकता है, तो अगर मैं उसको ऐसे करूं, लेकिन वो भी CO2 रिलीज करेगा, मीन्स उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, तो एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ईथर भी मौजूद हो, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि दिस इज CH3 CH ओ CH3 दिस इज CUH दिस वन, नाउ दिस इज कंपाउंड डी। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कंपाउंड C4H8O3 के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने थे, ठीक है, जिसमें ए और बी के स्ट्रक्चर्स को मेंशन किया गया था, अपने को भी मिल गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आज के लिए इतना डिस्कस करते हैं, और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी के वीडियोस के लिए आप गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ iOS से ऐप को डाउनलोड करिए, केमिस्ट्री बाई हिमांशु पांडे, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स जिसमें फुल थ्योरी को डिस्क्राइब किया गया है, साथ साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।